कहाँ के रहने वाले हो? जी सर, मैं पानीपत हरियाणा। पानीपत में कहाँ? पानीपत नियर इंसार बाजार से हूँ सर। मैं इंसार बाजार। इंसार बाजार। हाँ जी सर। अच्छा, तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी आपको? जब सर आया था तो क्रिएटिनिन मेरा अप्रोक्सीमेट 18 के आसपास था। अच्छा। और यूरिया मेरा था, यूरिया 384 था। तो मुँह से ना सर अजीब सी वोमिटिंग निकलती थी। अच्छा। तो पेट वाटर फ्लो हुआ करता, मतलब पैरों पे मतलब दिक्कत थी चलने फिर चल तो बिल्कुल ही नहीं सर सकता था, मतलब ऐसे एक कदम चलता था ना यहाँ पे गिर जाता था। अच्छा। तो जब मेडिसिन आपसे मिला तो उसके बाद मेडिसिन ली, तो मेडिसिन 3 महीने की मैं आपसे ले गया तो खाई मैंने 1.5 महीना। अच्छा। 1.5 महीने मेडिसिन मैंने छोड़ दी। अच्छा। छोड़ी क्यों? क्योंकि मेरा फिसला बना रात पे, तो इसकी एंटीबायोटिक मेडिसिन सर बहुत सारी थी। अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उन्होंने दवाई दी, तो ऊपर से आपकी मेडिसिन होगी, तो मैंने 15-20 दिन दवाई खाई भी नहीं। तो उसके बाद इतने अच्छे, फिर भी रिजल्ट मेरे बहुत अच्छे है कि अब मैं सर मानो बाइक भी चलाता हूँ, मतलब एक्टिव चलाता हूँ, वर्कआउट बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो बॉडी में 1% भी वीकनेस नहीं है मेरे में, 1% भी। अच्छा। पहले तो जब आए थे बहुत उनकी हालत खराब थी सर, हालत खराब थी ना उसकी। आप यकीन नहीं मानोगे सर, मेरे फेस की शक्ल ही बिगड़ गई थी पूरी। अच्छा। मतलब लोग देख के डरते थे, भाई तेरे को हो क्या गया, तेरी शक्ल हो क्या हो गया, ऐसी फेस हो गई, जैसे होता है कैंसर मरीज हो जाता है ऐसी शक्ल हो गई थी मेरी। अच्छा। तो लोग देखते डरते थे मेरे को। अच्छा। तो वैसे देख लो आपके सामने हो सर, मैं फिट हूँ, बोला कुछ दिक्कत नहीं आ रहा हूँ। दिल्ली जैसे पहले मैं आया था दिल्ली से, तो हफ्ते में दो रस्ते में 2-3 जगह बैठ जाता था, मतलब वीकनेस नहीं, चल नहीं सकता था सर मैं। अच्छा। अब ऐसा कोई शॉप कोई रुका तो नहीं बीच में, बिल्कुल आया मैं सीधा डायरेक्ट आया, ये नहीं बोला हुआ मैं 5 मिनट मेरे साथ बैठो कि मुझे दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता सर मुझे। हम तो ऐसे थे, हमें ऐसे लगता था कि एक पल में पता नहीं हमें क्या, मतलब भगवान हमारे साथ क्या हो रहा है। हम रोते थे, हम इसके सामने कुछ नहीं कहते, अंदर रोते थे। हम दोनों बहनों का बेटा नहीं है, हम दोनों बेटे इतने दुखी थे, रोते थे कि भगवान इसको ठीक कर दे। हम जब के आपके पास आए हमें यही है कि आप हमारे लिए भगवान आए, हम यही शुगर करते कि हमारे लिए आप ही हैं, क्योंकि मेरा बच्चा आगे से काफी सही है, बहुत सही है। आप तो सर हमारे लिए गोल्ड गिफ्ट हो, मतलब कि आपके कारण हमारे बहुत फायदा होगा। हम तो यही कहते हैं कि जिनको कोई दिक्कत आती है यही आपके पास आएंगे। पानी पर से 600 किडनी पेशेंट्स हैं, उनको मैंने भेजा यहाँ पर, वो सर पर मेडिसिन सुन के ना भाग जाते थे। तुम्हें तुम्हारी लाइफ से अच्छा है, तुम बच्चे सबसे अच्छी बात है, तो दवाई लाइफ में पैसा तो आने जाने की चीज है, आ जाए तो कल क्या होगा, फिर अप डाउन होते रहते लाइफ। हमारी हालत इतनी खस्ता थी हमारे भाई की, कम से कम इतना पैसा लगा दी चाय की दुकान में, 3 महीने में हाल ऐसी थी, अलमारी सी है। हमने फिर भी हिम्मत करी है कि बच्चे को ठीक करना है, पैसा कोई बात नहीं, पैसा तो आता जाता रहेगा। खाने पीने का पूरा फॉलो कर रहे हैं जैसे? हाँ जी सर। और बाकी पहले फिजिकली जैसे प्रॉब्लम हो रही थी आपको, उस समय आ रहा है, रिपोर्ट दिखाएंगे अभी जो आपने कराई? सर ये रिपोर्ट्स है, मैं ना रिपोर्ट्स लेके नेक्स्ट डे आया, बहुत बोली बेटा जी उठा लो, ये यूरिया मेरा देखो 57 है अभी इस रिपोर्ट में, सामने देखो आपने, आप देखो ये यूरिया 57 है, आप जूम कर मैम देख सकते हो, 57 यूरिया। जब मैं 3 मिनट पहले सर आया था तो यूरिया मेरा 384 था। 384 था यूरिया? 384। कहां से कराया ये टेस्ट? ये सर मैंने कराया ये पानीपत डॉक्टर चावला लैब से, ये डॉक्टर चावले का लैब है ये सर, कोई नहीं ऐसे दिखा, ये डॉक्टर चावला लिखा ऊपर, इसमें पानीपत में है ये सलारन गेट पर, वहाँ से मैंने करवाया टेस्ट, ये डॉक्टर चावला लैब से इन्होंने कराया है। और इसके अंदर जो इनका क्रिएटिनिन है वो अब जो हुआ 57 यूरिया आ चुका, पहले जो था 384 यूरिया था इनका, और डायलिसिस भी पहले आप करा रहे हैं? 3 करवाता था सर डायलिसिस, सप्ताह में 3। बात भी नहीं करता था इतनी, करता है मतलब एक होता ना सर, लाइफ में कुछ करने की इच्छा होती, चाह थी कि भाई आज मैं ये वो सर सब खत्म हो गई थी, चाह लाइन हम तो रो के चले जाते थे, इसको देखते थे ना हमारे को लगता हमारा बच्चा हाथ से गया। हम तो कई बार इसके बाद जाते थे अपनी सिस्टर पास, सफेद रहती हैं और पानी पास से वापस निकल जाती, मेरे को मेरी शॉप हमारी शॉप है, दुख लगेगा हमारी शॉप, जैसे यहाँ से लगा लो आपके यहाँ से एनडीएम से लेके 5 जैसे भी ये है क्या नाम है ये स्टेशन है मेट्रो स्टेशन, इससे भी आधा से लगा लो, इतना दूर घर था, मैं पैदल नहीं चल सकता सर, गिर जाता था बाजार में 3-4 बार गिरा मैं, लोगों ने तो वो बाजार में बेहोश हो गए, गिर जाता था सर मैं बहुत बार गिरा हॉस्पिटल में, जो डायलिसिस होती है वहां जाता था, हम ये बात हम भी जाता था, हम पीछे साथ देखने तो उस टाइम डायलिसिस में मेरा 52 किलो से वजन था, उस टाइम जब डायलिसिस हुआ था 2-3 दिन पहले मेरा 53 के आसपास वेट था, तो वाटर फ्लो हो रहा था मेरा। अच्छा। तो अब सर जब से मेडिसिन आपके लिए है तो मेरा 47 का 47 ही है। अच्छा। ना अभी तक बढ़ा ना अभी तक घटा, वाटर रिटेंशन भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मैं पानी थोड़ा ज्यादा पी जाता हूँ सर,
1% भी नहीं है, मतलब डायलिसिस वाला पेशेंट अराउंड करता है, तेरा वाटर फ्लो भी नहीं होता। मैं भाई तेरे को क्या दिक्कत है, ऊपर की चिड़ते इस नाम से कि आपको कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा, उनको लगता हमारे पेशेंट कम हो रहे हैं। पहले वो जैसे 3 बार जाता, फिर हफ्ते में 1 बार 2 दान लग गया, अब 6 दिन बाद जाता हूँ, वो चिड़ते है, कहता तेरा किडनी मर जाएगा, तू आएगा ये है वो, मैं भाई नहीं है ठीक है सब ठीक है, जब सब दिक्कत हो तभी तो जाऊँगा ना, ऐसे तो मैं जाऊँगा नहीं बिल्कुल भी। रिपोर्ट में भी जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब बिना डायलिसिस का इनका यूरिया 50 के आसपास है, और जो पहले जो 300 वाला टेस्ट भी वहीं से कराया था। हाँ जी 300 कराया था, एम्स में करवाया था, ऑल इंडिया में करवाया था, वो रिपोर्ट सब उनके पास ही, उन्होंने दी नहीं मेरे को। उन्होंने बोला फटाफट डायलिसिस करो नहीं तो आपका लड़का नहीं बचेगा, उसने सीधा ही बोला था डॉक्टर के लिए। उसी दिन नहीं भैया फिर ले वाली मेरे साथ थे, उस टाइम की हालत मैं 1 साल का लेके चली, और आज भाई 23 साल हो गए मैं इसके साथ रहती हूं। जब वो उनकी मेडिसिंस में मेडिसिंस क्या हूं उनकी, जब उनके लास्ट टाइम गया एम्स में, तो उन जो सीढ़ियाँ 10 सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, 10-15 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ता, वो भी नहीं चढ़ सकता ना, मतलब 10 बार बैठा सीढ़ियों में, इतनी हालत खराब थी मेरी, हार है मेरे को। अब देख लो आपके सामने पेट हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं, जहाँ सर ऊपर ऊपर लास्ट फ्लोर तो ऊपर ही चले जाओ, आपको मैं तक तक घूमा नहीं बिल्कुल। डॉक्टर साहब का धन्यवाद, मैं कल गई पानी पत में ये बाइक लेके खड़ा, मैंने कहा बाइक सर बाइक है मेरे को बड़ा बाइक भारी भारी लेके कल नानी जी का उठाना था चौथा था, तो ये पीछे बाइक लेके आ गया, हम सब वहीं पे थे, ये फिर इसको इतनी हमने डांट तो मारी, पर ये इसके पापा डैडी भी लड़ने लगे, ये देखो मैं दीदी कहना नहीं मानता, ये देख लो इतनी हालत खराब, मेरा इतना पैसा लग रहा है, मैं बेटा तू क्यों नहीं मानता है, मैं डॉक्टर से बात करूंगी, अभी इतनी भारी बाइक ना चला, एक्टर चला लिया कर, भारी बाइक ना चला, पैदल चलता वही मुझे बहुत खुशी, पैदल भी नहीं चल सकता, साइकिल को चलाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल वही कहता हूँ मैं सही हूँ, कुछ देखो मेरे को कुछ हो रहा है, चला रहा हूँ सही हूँ। सर हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, मतलब कि 40 सीढ़ियां पड़ती है हमारे ऊपर जाने के लिए, अच्छा। तो दिन के दोनों 30 चक्कर लगते हैं ऊपर नीचे के, लग ही जाते हैं, मतलब मेरी मम्मी को सांस चढ़ता था सीधे चढ़ते, मैं कहती तेरे को सांस नहीं चढ़ता तो तू जाने नहीं करता, मतलब मम्मी सांस चढ़ता सामने में बैठ जाता, मैं बैठता ही नहीं। कल भी बुआ जी मेरे घर आते, कितने से ऊपर नीचे होता रहा होता, वो दिक्कत लगा हुआ था, और ये 2-3 महीने पहले की बात है, मैं रोके चली गई थी, यूरिया जो था इनका 380 के आसपास था जब आया, अभी जो इन्होंने कराया वो 57 के आसपास यूरिया हो चुका है। डायलिसिस सप्ताह में 3 बार करा रहे थे, डायलिसिस के बावजूद भी यूरिया जो था वो बढ़ा हुआ था। अभी जो है यूरिया, जब डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं है और यूरिया फिर भी कंट्रोल है, क्रिएटिनिन फिर भी कंट्रोल है, और फिजिकल इम्प्रूवमेंट है पेशेंट को, पहले चलने फिरने में भी दिक्कत थी, और अब प्रत्यक्ष प्रमाण सौरभ यहाँ पे बैठा है पानीपत से आया वहां से आया है, और वहां से इसको इतना आराम है, और आप जो है फिजिकली भी बिल्कुल फिट है, और डायलिसिस की भी इसको आवश्यकता नहीं, एक नहीं सैकड़ों पेशेंट ऐसे जिनको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने लग के फॉलो करा और आज जो है वो डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर है। आज उस सूची में एक और नाम जुड़ गया पानीपत से, सौरभ का, तो किडनी जो खराब हुई उसके उपाय बताए, और उपाय के बाद जो है आज राहत मिली, और उसके बाद अब ये सौरभ आपके सामने जो है ये अपने आप बीती बता रहा है अपनी प्रॉब्लम्स क्या थी इसको, और अब क्या क्या आराम है, अपनी जुबानी बता रहा है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B 234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 0987171205001142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।